हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी टूज इजी रेसिपी। आज का रेसिपी जो है वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आज बनाएंगे स्टफ करेला। तो इसके लिए मैंने छोटे आकार के 3 करेला ले लिया है और उसे बस 2 सीटी मैंने कुकर में लगा लिया है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, करेला पक भी जाएगा और हमारा ये रेसिपी जो है ये बनाने में आसान भी होगा। तो मैंने करेला को इस तरीके से अच्छी तरह से धो के और कुकर में 2 सीटी लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से करेले कितना अच्छा नरम हो गए। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसने के लिए हमने लिए उबले हुए आलू। आलू को अच्छी तरह से हमें स्मैश कर लेना है। आलू को स्मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक और जो अचार मसाले हम बनाते हैं फ्रेंड, मैंने इससे पहले रेसिपी दिया हुआ है अचार मसाले का, उस मसाले का यूज़ मैंने ये स्टफ करेला बनाने के लिए यूज़ किया है। तो फ्रेंड, वो आलू का जो बॉयल्ड आलू के साथ मैंने अचार मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसे अब जो हमने करेला उबाल के रखा था और उसे इस तरीके से उसके अंदर से बीजा काट, थोड़ा सा काट के उसके अंदर से बीजा निकाल लेंगे और इसके अंदर हम ये जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसे इसके अंदर पूरी तरह से भर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमें करेला को अच्छी तरह से स्टफिंग कर लेना है और जो ये मसाले हमने पूरी तरह से भर लिया है, इस तरीके से सारे करेले को हमें इस तरीके से काट के और उबाल लिए हैं। तो ये इस तरीके से काटना भी बहुत इजी है। काट के बीजा निकाल लेंगे और ये जो स्टफिंग हमने बनाया है आलू का, इसे इसके अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड, ये जो रेसिपी है ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर से एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इतनी दूर तक पहुँची हूँ। तो आगे भी मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। देखिए, सारे बीजे को हमने निकाल के इस तरीके से आलू का जो स्टफिंग है इसके अंदर भर दिया है। और अगर हम इस एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें ज्यादा तेल का भी यूज नहीं करना है फ्रेंड। इस तरीके से हम थोड़ा सा तेल एक पैन में ले लेंगे और जो करेला को हमने स्टफ करके रखा था उसे इस तरीके से दोनों तरफ से हल्का हमें फ्राई कर लेना है फ्रेंड। तो देखिए, इसमें तेल भी बहुत हमने कम यूज किया है और इस तरीके से हमें दोनों तरफ से करेला को फ्राई कर लेना है। और देखिए फ्रेंड, हमारा जो करेला का जो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुका है और ये फ्रेंड, ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये हेल्दी रेसिपी भी है। तो इस तरीके से, और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और इस तरीके से आप बच्चे को करेला खिलाने में भी आराम से बच्चे खा लेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड देखिए, करेला स्टफ करेला रेडी हो गया है। तो आप भी इसे इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिए और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मैं एक नया रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।